नीतीश कुमार। बिहार के चुनावी रण में मोदी पर लालू और मीसा का हमला, आरक्षण को लेकर गलत बयानी का लगाया आरोप, कहा संविधान नहीं जानते पीएम, मीसा ने पीएम पर दिया आपत्तिजनक बयान। दिल्ली के केरल हाउस में बीफ मुद्दे पर केरल के सीएम ओमन चंडी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बताया आपत्तिजनक, केरल के सांसदों ने भी छापे के विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया की सूचना पर कल इंडोनेशिया के बाली में हुआ था गिरफ्तार, 1993 में हुआ था फरार। महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में क्रिकेटर अमित मिश्रा पहले गिरफ्तार और फिर हुए रिहा, बेंगलुरु पुलिस ने किया था गिरफ्तार, अमित का आरोपों से इनकार। और नागपुर में एक दुकानदार पर तलवारों से हमला, हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के सहारे हमलावरों की पुलिस कर रही तलाश। नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस खास पेशकश में, मैं हूं रविंद्र। 20 साल से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन एक मुल्क से दूसरे मुल्क भाग रहा था, वो सुरक्षा एजेंसियों को धोखा दे रहा था, आखिरकार वो इंडोनेशिया में पकड़ा गया। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अब उसे हिंदुस्तान लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। राजन की गिरफ्तारी के बाद अब देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद की बारी है। कैद में राजन, दाऊद पर नजर। जी हां, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार ने खुशी जाहिर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छोटा राजन के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने ही असली पहल की है। खत्म हुआ छोटा राजन का खेल। गिरफ्त में आया अंडरवर्ल्ड डॉन। इंडोनेशिया में हुई गिरफ्तारी। अब भारत लाने की तैयारी में सरकार। पिछले 20 साल से भारतीय एजेंसियों के लिए पहेली बना अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ ही गया। 20 साल तक लुका छिपी का खेल खेलने वाला भारत का सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट का बॉस छोटा राजन आखिरकार शिकंजे में आ ही गया। लगभग 17 मर्डर केस और मर्डर की कोशिश के मामले में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सालों से छोटा राजन की तलाश कर रही थी। ऐसे में इंडोनेशिया की बाली द्वीप पर छोटा राजन पुलिस के हत्थे चढ़ गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दाऊद के बाद बड़े गैंगस्टरों में छोटा राजन का नाम दूसरे नंबर पर आता रहा है। राजन पर जबरन वसूली, हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। लंबे समय तक दाऊद के गैंग में रहे राजन ने 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद अपना गैंग बना लिया, जिसके बाद दाऊद और छोटा राजन में 36 का आंकड़ा था। दोनों एक दूसरे को खत्म करने की साजिश रचा करते थे। ऐसे में छोटा राजन पर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका है, लेकिन वो बाल बाल बच गया। दाऊद के खतरनाक इरादों से बचने के लिए छोटा राजन ने पिछले कुछ सालों से इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में अपना बेस बनाया था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक यहाँ छिप नहीं पाया और सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। सीबीआई अपना प्रक्रिया करेंगे, उसमें हम ज्यादा कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि वो विदेश में है ना, उस विदेश में अपना एक सिस्टम होता है, अपना कानून होता है, उसको फॉलो करना है, हमारा देश का अपना सिस्टम होता है, वो अधिकारी लोग करेंगे।
भारत का मोस्ट वांटेड छोटा राजन को भारत लाना अब सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि भारत इंडोनेशिया के साथ प्रत्यर्पण संधि है, छोटा राजन को भारत लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ 2011 से भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद उसे हिंदुस्तान लाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां लग गई हैं। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन को भारत लाने के लिए सीबीआई और मुंबई पुलिस की एक टीम बाली जाएगी और इंडोनेशिया सरकार के साथ कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर भारत लाएगी। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया इसी हफ्ते छोटा राजन को भारतीय अधिकारियों को सौंप देगा। दरअसल इंटरपोल ने छोटा राजन को बाली एयरपोर्ट पर उतरते वक्त गिरफ्तार किया था। छोटा राजन की गिरफ्तारी के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसी लंबे समय से इंटरपोल के संपर्क में थी और इंटरपोल ने राजन की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर जारी किया हुआ था। छोटा राजन की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राजन की गिरफ्तारी पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह का कहना है कि यूपीए सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाते हुए सरकार ने ये कामयाबी हासिल की है। जब चिदंबरम साहब गृह मंत्री बने थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसको शिंदे साहब ने और हम सब ने भी लागू किया था। अगर आप देखिए उस समय से लेके आज तक तमाम आतंकवादी और तमाम डॉन जो देश के हित के खिलाफ काम करते हैं पकड़े गए हैं। उसी पॉलिसी के अंतर्गत आज छोटा राजन भी पकड़ा गया है और मैं तो एजेंसीज को बधाई देता हूं और मैं उस दिन के लिए रुका हूं कि हमने भी बहुत प्रयास किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सरकार भी प्रयास करी होगी। दाऊद और हफीज सईद जैसे लोग भी तत्काल गिरफ्तार हों और कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई उन पर हो। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद भारत की नजर अब अंडरवर्ल्ड डॉन और देश का दुश्मन नंबर एक दाऊद पर होगी। दाऊद फिलहाल पाकिस्तान में छुपा हुआ है और उसे पाकिस्तान का संरक्षण मिला हुआ है। छोटा राजन के भारत आने पर पुलिस को कई अहम जानकारियां मिल सकती है। दाऊद के भी कई आदमियों के बारे में पता चल सकेगा। यही नहीं, दाऊद के कई राज सुरक्षा एजेंसियों के सामने पर्दाफाश हो सकता है। यानी राजन के बाद सुरक्षा एजेंसियां दाऊद की गिरफ्तारी की कवायद में जुट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अब यह सवाल खड़ा होता है कि देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद की गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन छोटा राजन की गिरफ्तारी से यह उम्मीद जागी है कि अब दाऊद पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। यानी छोटा राजन के बाद अब बारी दाऊद की है। छोटा राजन को अभी पकड़ा है, केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से सारी चीजें हम भेज रहे हैं, क्योंकि ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो मूल रूप से महाराष्ट्र ने निकाला हुआ था और इसलिए जिन तथ्यों के आधार पर ये निकाला था वो तथ्य हम भेज रहे हैं। दाऊद की जो गैंग है, जो उनके लोग हैं, उनको भी पकड़ना आवश्यक है। केंद्र सरकार उसके भी पीछे लगी है। छोटा राजन के बाद अब दाऊद की बारी। राजन की गिरफ्तारी के बाद अब दाऊद पर कसेगा शिकंजा। कभी दाऊद का दाहिना हाथ रहे छोटा राजन अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी भी कीमत पर दाऊद का खात्मा चाहता है। छोटा राजन की गिरफ्तारी से दाऊद चैन की सांस ले रहा होगा, लेकिन ये चैन की सांस उसके लिए गले की फांस बन जाएगी, क्योंकि छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर अब देश के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद पर होगी। सरकार भी छोटा राजन की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही है और ये मान रही है कि छोटा राजन के बाद अब बारी है दाऊद की।
दाऊद को लेकर समय समय पर बयान आते रहे हैं, लेकिन दाऊद के खिलाफ कोई बड़ी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। दरअसल दाऊद ने कभी छोटा राजन के सहारे ही मुंबई पर राज किया था। छोटा राजन ही दाऊद को हथियारों से लेकर लोगों की सप्लाई करता था, यानी राजन दाऊद का दाहिना हाथ था। ऐसे में दाऊद की हर छोटी बड़ी जानकारी राजन के पास है और उसकी गिरफ्तारी के बाद दाऊद पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। नहीं, पहले दाऊद का और पहले करीम राजा का बहुत जंग चली। बाद में दाऊद जब थोड़ा ऐसा से जब वीक होना शुरू हुआ तो बाद में उसने फिर इसका सहारा लिया, छोटा राजन का, और उसने उसका सहारा लेके फिर ये अरुण गौली वगैरह के खिलाफ में वो खड़ा हो गया। होने के बाद में जितनी भी गैंग की एक्टिविटीज और जितना भी मतलब मैन पावर बनाना और हथियार सप्लाई करना, ये पूरा का पूरा काम राजा ने पूरा करता था। जब यहाँ पर जब खून खराबा जब बढ़ गया, बहुत बड़ा खून बड़ा, जब अशोक जोशी को मारा गया, सतीश राजे मरे, तो उस टाइम पे फिर ये हुआ कि भाई अभी यहाँ पर रहना मुश्किल है अभी, क्योंकि कभी भी कोई मर सकता है। तो ये तमाम लोग यहाँ से भाग के दुबई चले गए, उसमें राजन भी साथ में उनके गया। फिर वहां से बैठ के उन्होंने एक्टिविटीज करना शुरू की, पूरी की पूरी ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज वो लोग दुबई से बैठ के पूरा का पूरा करते थे। आपको अगर पुरानी वीडियो देखे होंगे आपने, तो जब अगर वो स्टेडियम में अगर मैच चलता था तो दाऊद के बाजू में राजन बैठा हुआ। यानी छोटा राजन की गिरफ्तारी से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दाऊद से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर पूर्व आईपीएस अधिकारी छोटा राजन की गिरफ्तारी को सही नहीं बता रहे, क्योंकि दाऊद से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को छोटा राजन से ही मिलती थी, जो उसकी गिरफ्तारी के बाद अब बंद हो जाएगी, जिससे दाऊद के खिलाफ अभियान चलाने में दिक्कत होगी। क्योंकि छोटा राजन जो है उसके ऊपर कोई भी टेरर रिलेटेड चार्जेस नहीं है। बाकी कई केसेस जो उसके ऊपर रजिस्टर हुए हैं, कुछ केसेस में एविडेंस जो है काफी कमजोर है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है और जो सबसे बड़ा टेररिस्ट है, जिसको कि यूएस ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, ग्लोबल जो है ड्रग का एक क्रिमिनल घोषित किया है, ऐसे व्यक्ति को हम नहीं ला पा रहे हैं। और जिस व्यक्ति को हम यूज कर रहे थे वहां तक पहुंचने के लिए, उस व्यक्ति को, उस जरिया को जो है हम समाप्त कर रहे हैं। छोटा राजन की गिरफ्तारी से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या राजन की गिरफ्तारी के बाद अब दाऊद की बारी है? लेकिन पुलिस अधिकारियों के बयान ये बताते हैं कि छोटा राजन दाऊद के खिलाफ भारतीय एजेंसियों के लिए एक बड़ा हथियार था, जो गिरफ्तारी के बाद खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर दाऊद आराम से पाकिस्तान से अपना कारोबार चला रहा है, लेकिन छोटा राजन की गिरफ्तारी और उसका भारत में प्रत्यर्पण के बाद छोटा राजन दाऊद को लेकर कई राज खोल सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत छोटा राजन की मदद से मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को पाकिस्तान में ही ठिकाने लगाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों की वजह से ये प्लान चौपट हो गया था। लेकिन इस बार भारत ऐसी चूक नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान को पाकिस्तान में दाऊद के ठिकानों का पता चल गया है। वो कहां रहता है, क्या करता है और उसे कैसे पाकिस्तान बचा रहा है। ऐसे में छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अब दाऊद की बारी है। अब वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से बच नहीं सकता। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जी हाँ, चूंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां दाऊद इब्राहिम को पकड़ना चाहती थी और छोटा राजन भी दाऊद इब्राहिम से अपना बदला लेना चाहता था, ऐसे में एजेंसियों की मदद से कई बार छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम और उसके गिरगियों पर नकेल कसने की कोशिश की और कई बार कामयाब भी रहा। सोमदत्त शर्मा के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। आखिर एक वक्त में दाऊद के दाहिने हाथ रहने वाले छोटे राजन की दुश्मनी दाऊद के साथ क्यों हुई, एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। दरिंदों के हवाले हरियाणा, गंदगी में मनेगी दिवाली, 260 रुपए से भी सस्ती जान, जवाब दो सरकार,
देखिए आज रात 8:30 पर। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर है, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। MTH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले दे चैन चाओ। आपकी मेहरबानी से। MTH, the real spice of India. No chemical allergy, 100% Ayurvedic. दीवाल BH Plus Hair Color. पंजाब, best social environment, best government reforms. Best infrastructure, 24/7 uninterrupted power supply, best place to start business, excellent industrial work culture, first class air connectivity. It is our proud privilege to welcome you to Punjab, the land where people think big and achieve big. Invest in the best. Welcome to Progressive Punjab and be a part of the success story. Vim Gel, sirf 10 rupaye mein. Itni mehngai? 10 rupaye mein to hafte bhar ke nimbu bhi nahi milte. Par ab wahi 10 rupaye mein mile pure 100 nimbuon ki shakti. Vim Gel ke naye weekly pack mein, jo aasani se hataye kadi chiknai. Hafte bhar ka naya Vim Gel, ab sirf 10 rupaye mein. अब हर 24 रुपए के डव पार्क के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम एंगेज डियर स्प्रेज, गिव इन टू द लैंग्वेज ऑफ लव। एक वक्त वो भी था जब दाऊद के लिए छोटा राजन जान तक देने के लिए तैयार रहता था। उसके एक इशारे पर छोटा राजन कोई भी काम करने को तैयार रहता था। लेकिन 1993 के मुंबई बम धमाकों ने रिश्तों में ऐसी कड़वाहट घोली कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। एक वक्त था जब छोटा राजन और दाऊद में दोस्ती थी। दाऊद छोटा राजन के सहारे मुंबई पर राज करता था। राजन की ही बदौलत दाऊद मुंबई का बेताज बादशाह बना हुआ था। लेकिन 1993 में हुए एक के बाद एक सीरियल बम धमाकों के बाद दोस्ती में दरार आ गई। मुंबई का अंडरवर्ल्ड दो गुटों में बट गया। एक गुट बना दाऊद गैंग और दूसरा बना राजन गैंग। इन दोनों गैंग के सरगनाओं ने देश के बाहर रहते हुए भी मुंबई की सड़कों पर एक दूसरे का खूब खून बहाया। दोनों गुटों ने मुंबई की सड़कों पर सरेआम कत्लेआम मचा दी। आए दिन गैंगवार होने लगे, जिससे पूरी मुंबई में दहशत फैल गई। साल 1998 से 2003 के बीच इन दोनों गैंग का आतंक इतना बढ़ गया था, इन पर काबू पाने के लिए मुंबई पुलिस को इन गैंगस्टर्स का खुलेआम एनकाउंटर करने की छूट दे दी गई। इन 5 सालों में मुंबई ने दोनों गैंग के करीब 300 से ज्यादा गुर्गों का एनकाउंटर किया। तब जाकर इन दोनों गैंग के बीच चल रहे गैंगवार पर थोड़ी नकेल कस पाई। दूसरी तरफ दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे के जानी दुश्मन बने रहे। दाऊद ने छोटा राजन पर साल 2000 में जानलेवा हमला कराया, जिसमें राजन घायल तो हुआ लेकिन बच निकलने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ राजन ने भी साल 2005 में फरीद तनासा और विकी मल्होत्रा को दाऊद को मारने के लिए कराची तक भेजा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद दाऊद की बेटी की शादी में भी राजन ने दाऊद की हत्या की साजिश रची, लेकिन दाऊद वहां नहीं आया। यानी इन दोनों की तलाश भारत सरकार जिस बेसब्री से कर रही थी, ठीक उसी तरह कभी दोस्त रहे दाऊद और राजन एक दूसरे को मारने के लिए भी मौका तलाशते रहे। एक्सटर्नल अफेयर और इंटरपोल जो है सीबीआई की, वो इकट्ठे मिलकर इसको हैंडल करेंगे। फिर ऑफ कोर्स
उनका जो इंडोनेशिया का जो लीगल सिस्टम है वो भी देखना पड़ेगा. आफ्टर ऑल हर एक लीगल सिस्टम अपना अपना अलग अलग होता है, लेकिन इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है इंडोनेशिया के. वो खास करके इंडोनेशिया ने खुद भी बड़ा सफर किया है, बाली में कई बार वहां पे उनके अटैक हुए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि थिंग्स विल मेक अ डिफरेंस. सर इनके अगर थोड़ा पीछे हम चले जाए देखिए कि जैसे ये दाऊद के साथ पहले टीम में थे, 93 के बाद अलग हुए, काफी इनका दबदबा था मुंबई शहर पे, लोगों में काफी खौफ था, उस बारे से इससे मैं कुछ कहना. देखिए साहब, ये पहले तो दाऊद का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन था, ये और छोटा शकील दो उनके बाजू थे दाऊद के. लेकिन जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए मार्च 1993 में, तो ये थोड़ा सा नाराज हो गया था कि एक तो मुझे विश्वास पे नहीं लिया गया, दूसरा ही वॉज अगेंस्ट कि ये नहीं करने का अपने मुंबई में. देश से बाहर रहने के बाद भी राजन गैंग 2010 तक दाऊद गैंग पर भारी पड़ता रहा और उसके कई गुर्गों को ठिकाने लगा दिया. दरअसल राजन के एक इशारे पर उसके गुर्गे कुछ भी करने को तैयार रहते थे. छोटा राजन गैंग के खास गुर्गे हेमंत पुजारी छोटा राजन के लिए काम करता है. गुरु साटम साल 2000 तक छोटा राजन के साथ रहा. एजाज लकड़वाला बॉलीवुड से पैसा उगाही करने का काम करता था. अबू सावन राजन का मैनेजर और उसके सभी कारोबार का राजदार. बंटी पांडे राजन का गुर्गा. विकी मल्होत्रा राजन का सबसे खास गुर्गा. डीके राव मुंबई में राजन गैंग के लिए काम करता था. भरत नेपाली छोटा राजन का करीबी. छोटा राजन अपने इन्हीं गुर्गों की मदद से दाऊद पर भारी पड़ता रहा, लेकिन गैंग में आपसी अनबन और एक एक कर छोटा राजन के अहम गुर्गों ने गैंग को छोड़ना शुरू कर दिया. ऐसे में देखते ही देखते वो छोटा राजन गैंग जो कभी दाऊद पर भारी पड़ता था कमजोर होने लगा. दाऊद को सीधे टक्कर देने वाला छोटा राजन अकेला पड़ गया. हालांकि छोटा राजन ने अपने गैंग को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस की कड़ाई ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया. कभी मुंबई शहर में अपने खौफ से हर रोज दस्तक देने वाला छोटा राजन पिछले 4 सालों से बिल्कुल शांत पड़ गया था. पत्रकार जेडे की हत्या के बाद किसी भी बड़े मामले में छोटा राजन का नाम सामने नहीं आया था, और पुलिस भी अब ये मानने लगी थी कि चूंकि छोटा राजन के ज्यादातर गुर्गे अब उसका साथ छोड़ चुके हैं, इसी कारण डॉन छोटा राजन अब चुपचाप शांत रहना ही उचित समझता था. सोमदत्त शर्मा के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई. छोटा राजन की गिरफ्तारी से देश में खुशी की लहर तो दौड़ी ही है, लेकिन यह भी आशंका पैदा होने लगी है कि कहीं मुंबई में एक बार फिर से गैंग वॉर न छिड़ जाए. एक ब्रेक के बाद बताएंगे आपको. प्रकृति जैसी शुद्धता, हमारी पहचान. MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया. आ गए जी, आ गए. ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है. होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी. कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो. प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स. 100% FDI प्रोजेक्ट adjacent to F1 बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट. कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग. प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स, मोर लाइफ मोर स्टाइल. हाँ जी, तो बताइए कहाँ जाना है? मूवी. ओके, गिव मी अ सेकंड. हेलो, भाव क्यों खा रहा है यार? कोई मुझे भी पूछेगा कहाँ जाना है. आपको कहाँ जाना है सर? जयपुर. कब शॉप करती का ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी. लेट्स गो. कल से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर. अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी. अरे दीदी, अब सब बदल रहा है. इतनी साफ सफाई जी.
हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MBH की देगी मिर्च। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टिमा आर ओ प्लस यूवी विद प्योरिटी इंडिकेटर। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष जिन्हें गांधी जी ने कहा सरदार। सरदार साहब ने हमें एक भारत दिया, श्रेष्ठ भारत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सपने को पूरा करने के लिए भारत की जो महान विरासत है वो विरासत विविधता में एकता की है। मुझे विश्वास है हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन। छोटा राजन की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने खुशी जाहिर की है, लेकिन इसके साथ ही ये भी आशंका जताई है कि कहीं एक बार फिर से मुंबई में गैंगवार की शुरुआत ना हो जाए। छोटा राजन को गिरफ्त की हमें तो कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन उससे और कुछ सरदर्द भी हमें जरूर उठाना होगा, क्योंकि छोटा राजन और डी गैंग जो इनकी राइवली चल रही है उसके मुताबिक छोटा राजन को यहां लाने के बाद उसकी सुरक्षा एक अहम जिम्मा होगा जो पुलिस को निभाना होगा। मुझे लगता है कि इसकी वजह से छोटा राजन की गैंग और डी गैंग में कोई ऐसा भड़का हो सकता है कि जिसके कारण गैंग वॉर की काफी संभावना है, इसलिए पुलिस को बहुत चौकन्ना रहना। अब सरकार से आशा है कि जल्द से जल्द छोटा राजन को वो भारत लेकर आए, और ये उम्मीद भी अब लोगों को बंधी है कि जल्द से जल्द दाऊद इब्राहिम भी भारत के शिकंजे में आ जाए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। दरिंदों के हवाले हरियाणा, गंदगी में मनेगी दिवाली। 260 रुपए से भी सस्ती जान। जवाब दो सरकार, देखिए आज रात 8:30 पर। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल, आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।
वाजपेयी के सहयोगी रहे पूर्व मंत्री अरुण शौरी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा अब तक की सबसे कमजोर और दिशाहीन है मोदी सरकार, लोग मनमोहन सिंह को करने लगे हैं याद, शौरी के बयान पर मचा सियासी घमासान। नीतीश के थ्री इडियट सॉन्ग को लेकर मोदी ने ली चुटकी, कहा महागठबंधन में लगी है मनोरंजन की होड़, अब मुशायरा करने लगे हैं नीतीश को।